कार्तिक मैयप्पन नाम तो सुना ही होगा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी से है खास कनेक्शन। कार्तिक मैयप्पन कनेक्शन विद विराट कोहली एमएस धोनी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के युवा लेग स्पिनर कार्तिक मैयप्पन T20 वर्ल्ड कप के 8वें एडिशन में हैट्रिक लेकर सबकी आंखों का तारा बन गए हैं। इस होनहार स्पिन गेंदबाज का भारत से पुराना नाता रहा है। मैयप्पन ने पूर्व चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। इस युवा स्पिनर का विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी से क्या है खास कनेक्शन, आइए जानते हैं। कार्तिक मैयप्पन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 विश्व कप 2022 T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। मैयप्पन T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक। कार्तिक मैयप्पन हैट्रिक लेने वाले एशिया के दूसरे जबकि ओवरऑल 5वें गेंदबाज हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तूफानी गेंदबाज ग्रेट ली 2007, कुर्टिस कैम्फर 2021, श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा 2021 और दक्षिण अफ्रीका के पेसर कैगिसो रबाडा 2021 इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। कार्तिक मैयप्पन ICC एसोसिएट टीम के पहले ऐसे गेंदबाज भी बन गए हैं जिसने किसी टेस्ट टीम के खिलाफ हैट्रिक ली हो। श्रीलंका के खिलाफ मैयप्पन ने गीलोंग में खेले गए मुकाबले में पारी के 15वें ओवर में यह कारनामा किया। उन्होंने 15वें ओवर की 4थी गेंद पर भानुका राजपक्षे को, 5वीं गेंद पर चरित असलंका को और 6थी गेंद पर दासुन शनाका को बोल कर हैट्रिक पूरी की। कार्तिक ने इस मुकाबले में अपने 4 ओवर के कोटे में 19 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। मैयप्पन का जन्म 8 अक्टूबर 2000 को चेन्नई में हुआ था। वह बाद में यूएई चले गए थे। उनकी फैमिली साल 2012 में दुबई में शिफ्ट हो गई थी। इसके बाद मैयप्पन ने यूएई में क्रिकेट का ककरा सीखा। उनकी मुलाकात दुबई में विंचेस्टर स्कूल में मौजूदा यूएई टीम के कप्तान आर्यन लाकड़ा से हुई। कार्तिक मैयप्पन साल 2018 में बांग्लादेश में आयोजित यूएई अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। वह अंडर 19 टीम को श्रीलंका में 2019 ACCC अंडर 19 एशियाई कप में टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कार्तिक ने साल 2019 में सीनियर टीम में यूएसए के खिलाफ शारजाह में डेब्यू किया। कार्तिक मैयप्पन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वह साल 2020 में IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB टीम का हिस्सा थे। कार्तिक बतौर नेट गेंदबाज RCB के साथ जुड़े थे। उनके साथ यूएई टीम के कप्तान अहमद रजा ने भी नेट्स में RCB बल्लेबाजों को बॉलिंग की थी। कार्तिक IPL से जुड़ी कई फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। स्पिनर कार्तिक मैयप्पन को RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम में विराट कोहली और AB डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के सामने गेंदबाजी का सुनहरा मौका मिला था। कार्तिक ने तब अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल और ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जंपा के साथ समय बिताया था। भारतीय मूल के कार्तिक मैयप्पन साल 2021 में IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी बतौर नेट गेंदबाज जुड़े थे। सोशल मीडिया के अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मैयप्पन ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें वह CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी को नेट्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक 8 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं जबकि 13 T20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम कुल 21 विकेट दर्ज हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कार्तिक की बेस्ट गेंदबाजी 25 रन देकर 4 विकेट है।